रिजल्ट आपने देख लिया होगा, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का जो इंतहाई ही मायूस कुन, तो मैं बहुत खुशी हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए और मुझे बहुत बुरा लग रहा है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बड़े डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, कसम से लिटरली आप कह सकते हैं कि दुख हो रहा है लिटरली के जीत गए थे हम जीत गए हुए थे। ये इतनी दूर थी जीत हमसे कि इतनी सी दूर थी कि उसको पकड़ नहीं पाए और फिर से वो वर्ल्ड कप का ख्वाब अधूरा का अधूरा रह के चला। जिम्बाब्वे तुम वैसे जीत के फाइनल, जब फाइनल में जाना है और भाई शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो, बचा दिया ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ के पाकिस्तान का घंटा। क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान की टीम बिगेस्ट चोकर है इस वक्त, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जो बिगेस्ट चोकर है ना वो साउथ अफ्रीका नहीं है, वो न्यूजीलैंड नहीं है, वो हम पाकिस्तानी है, क्योंकि हम पिछले कुछ अरसे से जो करते आ रहे हैं वो हमारे सामने है। पाकिस्तान अंडर 19 की टीम एक बार फिर से सेमीफाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गई है, एक विकेट से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये मैच जीत लिया है, क्योंकि पाकिस्तान एक रन एक विकेट से जो है हार गया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीफाइनल टुडे। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान जूनियर्स फॉट वेल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अनदर डिफीट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, एंड वी हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफीट्स इन रीसेंट टाइम्स, चाहे वो सीनियर टीम ले ले, वुमेन्स टीम ले ले, अंडर 19 टीम ले ले। जो आ रहा बजा रहा है, जो आ रहा बजा रहा है, जो आ रहा बजा रहा है, मतलब बजना रह गया सिर्फ काम हमारा, पाकिस्तान की जो आ रहा पकड़ के बजा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 से पाकिस्तानी टीम बाहर हो चुकी है। बताते चले कि अंडर 19 2024 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में एक विकेट से मात देकर फाइनल में जगह अपनी पक्की कर ली है। मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मैच में कई बार ऐसे टर्न्स आए जिन्हें देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। बताते चले कि सबसे पहले तो पाकिस्तान की पूरी टीम 179 रनों पर ऑल आउट हो गई, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यह मैच आसानी से अपने नाम कर लेगा, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से टर्न अराउंड हुआ और पाकिस्तानी टीम ने शानदार गेंदबाजी करके ऑस्ट्रेलिया के 50 रनों पर 4 विकेट गिरा दिए। लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शानदार साझेदारी हुई और 105 रनों के स्कोर पर भी 4 ही विकेट थे। तब ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर से इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक बार फिर से शानदार कमबैक किया और लास्ट में जब केवल 16 रन बचे थे तब ऑस्ट्रेलिया के केवल 1 विकेट बचे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लास्ट के दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। बताते चले कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पूरी तरीके से इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप रही है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी टीम को मिली इस हार को लेकर क्या कहा है। पाकिस्तान के फाइनल खेलने का जो ख्वाब था ना, वो चकनाचूर हो गया, और जो फैंस का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल देखने का जो ख्वाब था वो भी इसी के साथ चकनाचूर हो गया है, और एक बार फिर से पाकिस्तान की टीम जो है वो सेमीफाइनल में जाके चोक कर गई है। अंडर 19 का घंटा बजा दिया पकड़ के ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब ये घंटे मुझे बता दो ना इन्होंने कब फाइनल में जाना है। आप ये घंटे जो पाकिस्तान में ट्विटर पे बैठ के मां पेश करा रहे होते हैं, ये घंटे के बच्चे ये जो साउथ अफ्रीका को चोकर कह रहे होते हैं और इंडिया को चोकर कह रहे होते हैं, सबसे बड़ा चोकर तो पाकिस्तान है, आईसीसी इवेंट में सबसे बड़ा चोकर तो पाकिस्तान है, प्रेशर सिचुएशन में सबसे बड़े चोकिंग तो पाकिस्तान करता है। मुझे बता दो किसी भी प्रेशर सिचुएशन में, किसी भी प्रेशर सिचुएशन में, किसी भी नॉकआउट मैच में आप ऑस्ट्रेलिया के सामने नंगे हो जाते हो, आप ऑस्ट्रेलिया के सामने लेट जाते हो, ऑस्ट्रेलिया आपका अब्बा बना हुआ है क्रिकेट में, मतलब जीतना किसे है। जिम्बाब्वे तुम वैसे जीत के फाइनल, जब फाइनल में जाना है भाई शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो, बचा दिया ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ के पाकिस्तान का घंटा। पाकिस्तान की टीम बिगेस्ट चोकर है इस वक्त, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर जो बिगेस्ट चोकर है ना वो साउथ अफ्रीका नहीं है, वो न्यूजीलैंड नहीं है, वो हम पाकिस्तानी है, क्योंकि हम पिछले कुछ अरसे से जो करते आ रहे हैं वो हमारे सामने है, आपके सामने है। 2021 का सेमीफाइनल हम हारे, एशिया कप का फाइनल हम हारे, 2022 का फाइनल हम हारे, अब अगेन 2024 का ये अंडर 19 का सेमीफाइनल हम हार गए हैं, लगातार नॉकआउट मैचेस हम हारे जा रहे हैं। और रही बात ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया से पता नहीं कितने ही सालों से हम नॉकआउट मैचेस हार रहे हैं, फिर वो चाहे T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो या वो क्वार्टर फाइनल का मैच हो या वो जिसको कहते हैं 2021 का सेमीफाइनल हो और या तो ये वाला मैच हो, हर दफा ऑस्ट्रेलिया हमें रगड़ा लगा के चला जाता है और इस दफा भी लगा दिया। मैं यकीन करें कि मैं इस टीम को कुछ नहीं बोलूंगा, इन लड़कों ने अपना 100% दिया है। मतलब अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान,
आई नो मैनी पीपल वर एक्सपेक्टिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पाकिस्तान इंडिया फाइनल, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं हो सका। और उसकी वजह ये है कि देखें, एक इतना बड़ा टूर्नामेंट जो वर्ल्ड कप होता है ना, उसमें आप एक दफ़ा तो शायद ये लो अच्छी बुरी बैटिंग करके आप बच जाएंगे, आपके बॉलर को बचा लेंगे, लेकिन नॉकआउट मैचेस में, इंपॉर्टेंट मैचेस में बार बार तो नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जो हरा के क्वालिफाई किया सेमीफाइनल्स के लिए, वो जिस तरह से 5 रन से जीते हैं बांग्लादेश से, वहां भी आपकी बैटिंग फेल हुई थी, वहां भी ज्यादा रन नहीं कर 150 कुछ करके फिर भी जीत गए थे 5 रन से। लेकिन भाई बार बार तो बॉलर आपको नहीं जिताएंगे, लेकिन दे रियली बोल्ड, मतलब उनका एक बंदा वो जो स्ट्राइकर है टॉम स्ट्राइकर, वो 6 for 24 ले गया यार, मतलब बड़ी बात है। वो 6 विकेट लेना, एंड में उसने बिल्कुल ही मतलब पाकिस्तान के टेल को तो उसने उड़ा के रख दिया, बिकॉज पाकिस्तान जस्ट मैच 179 and 48.5 overs। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब भी बड़ा टूर्नामेंट आता है हम उसमें पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं, चाहे बात हो अंडर 19 वर्ल्ड कप की, एशिया कप की, या फिर बात हो सीनियर टीम के एशिया कप, वर्ल्ड कप और जो भी इवेंट है उनमें वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है। बताते चले कि पिछले 1.5 सालों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बहुत गंदी रही है, चाहे बात हो सीनियर टीम की या फिर जूनियर टीम की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने ऐसा कुछ भी अचीव नहीं किया है, या यूं बोले कि उन्होंने बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह कहा कि हमारे पास बॉलिंग का तो अच्छा टैलेंट है लेकिन बैटिंग में हम पूरी तरीके से फ्लॉप हो गए हैं। बताते चले कि पाकिस्तानी टीम नेपाल, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी फंस गई थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कितनी कमजोर थी। पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइनअप में कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिसे हम यह कह सके कि यह फ्यूचर का ब्राइट स्टार हो सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की अंडर 19 टीम की जमकर तारीफ भी की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंडियन की अंडर 19 की जो टीम है उसके में तीनों डिपार्टमेंट शानदार हैं, चाहे हम बात करें बैटिंग की, बॉलिंग की या फिर फील्डिंग की। तीनों ही डिपार्टमेंट में भारतीय टीम अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखा रही है, यही रीजन है कि आज वो फाइनल में पहुंची हुई है। बताते चले कि भारत लगातार 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुका है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।